Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. In this video, I am going to discuss about important MCQs class 6 history chapter 5 and 6. दो चैप्टर के एमसीक्यूज पढ़ेंगे हम इसमें. तो चैप्टर 5 कौन सा है, किंगडम किंग्स एंड अन अर्ली सिटीज, एंड चैप्टर 6 है न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज. तो ये दो चैप्टर हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन देखना है. तो इंट्रोडक्शन में अगर हम जैसे देखें 4 और 5 हमने जितने भी चैप्टर पीछे पढ़े हैं उसमें हमने देखा कि कैसे जो लोग हैं वो कैसे सिविलाइज्ड हो रहे हैं, कैसे हमें देखा कि कैसे हरप्पा सिविलाइजेशन हमने देखी, उसके बाद हमने वैदिक सिविलाइजेशन देखी, वैदिक के बाद हम लेटर वैदिक में आए, उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि कैसे किंगडम बने, किंगडम बने, लोग सेटल हुए, किंगडम के बाद किंग आए, किंग ने राज्य किए, सिटीज बनाई. तो आपको चैप्टर पढ़ के ही आधा बात जो है समझ में आ जानी चाहिए. चैप्टर पढ़ते ही, चैप्टर के टाइटल से ही हमें जो है बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है. तो हम इस चैप्टर में, फिफ्थ चैप्टर में हमें किंगडम किंग्स राज्य देखने को मिलते हैं कि राज्य बनाए उन्होंने, किंगडम बनाए. उसके बाद चैप्टर 6 में हमें न्यू क्वेश्चंस और आइडियाज के बारे में पता चलता है, जिसमें हम बुद्धिज्म और जैनिज्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जिससे आपको और ज्यादा नॉलेज पता चलेगी. तो ये मैप जो है ये क्यों दिखाया गया है, इसमें आप थोड़ा थोड़ा देखो कि कैसे जनपदास महाजनपदास जो थे वो कैसे सेटल डाउन हुए. तो सबसे पहले जनपदास का मतलब आपको पता ही होगा, जनपदास जहां पे लोग अपना रहना जो स्टार्ट करते हैं, जहां पे लोग रहते हैं उन्हें जनपदास कहा जाता है, जहां पे लोगों को, जहां पे लोग रहते हैं. उसके बाद जो जनपदास जो होते हैं, जब वो स्ट्रांग बन जाते हैं, जब उनकी जो गद्दी होती है वो मजबूत हो जाती है, वहां के राजा राज्य करने लग जाते हैं और वो काफी राज्यों से मजबूत हो जाता है वो राज्य, तो उसे महाजनपदास कह दिया जाता है और उनकी सिटीज भी होती हैं. ठीक है, तो वैसे ही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि कैसे बहुत पॉपुलर जो महाजनपदास थे जो हमें देखने को मिलते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले ये दिखाया गया है गांधारा जो था उसकी सिटी कौन सी थी, तक्षशिला. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं कुरु, कुरु की थी हस्तिनापुर. तो ये सब रिलेट कर पा रहे हो कि ये सब जो नाम है आपने सुने होंगे कहीं ना कहाँ पे, कहीं ना कहीं कहाँ पे सुने हैं ये नाम. तो ये वो महाभारत में, अगर आपने महाभारत देखी होगी तो आपको ये मैप बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि कैसे राज्य बने, कैसे डेवलप हुए. तो सबसे जो मजबूत अगर महाजनपद था वो अगर हम कहें तो वो था मगधा. सबसे मजबूत जो था वो था मगधा. ठीक है, उसके अंदर जो आता था वो था राजा गृहा जो था, इसकी मगधा की सिटी थी, कैपिटल थी राजा गृहा, जिसको हम राजगिरी भी कहते हैं. उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे वैशाली, जो यहाँ पे वज्जी है, वज्जी की वैशाली थी. उसके बाद यहाँ पे पांचाला आता है, कौशाला आता है, ये ना अवंती आता है, अवंती की उज्जैन है. ये थोड़ी बहुत आपको मैप ये पता चलना होना चाहिए. बाकी हमें इसके बारे में क्या क्या नॉलेज है, क्या लेनी है, वो हम आगे क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं. तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मैन बिकम्स रूलर अराउंड 3000 ईयर अगो. जो रूल करते थे, जैसे जनपदास हमने देखे कि जनपदास जो थे लोगों ने जनपदास को रूल करके महाजनपदास में कन्वर्ट किया, तो किस तरीके से वो रूल करते थे उसको आपको बताना है. तो बाय चूजिंग रूलर बाय वोटिंग, अपने रूलर को चूज करने के लिए वोटिंग का सहारा लेते थे, या फिर बाय अश्वमेधा याजना, और या फिर ए और बी बोथ, या फिर नन ऑफ दिस. तो इसमें से राइट आंसर होगा बाय अश्वमेध याजना. तो ये जो थी ये क्या थी अश्वमेध याजना, ये ऐसी इंपॉर्टेंट अगर हम कहें कि इसी से ही राजा जो है चुना जाता था, और राजा स्ट्रांग है या वीक उसी से ही पता चलता था. तो अश्वमेध याजना क्या होती थी, जैसे कि हम देखें कि एक रूलर के पास हॉर्स है, घोड़ा है, वो अपने घोड़े को बोल देता है जाओ, वो छोड़ देता है घोड़े को, और उसके बाद उसको घोड़े को नजर रखने के लिए एक गार्ड भी बिठाया जाता है ताकि वो उसके उसकी निगरानी में रहे, घोड़े को देखता रहे कि घोड़ा किधर को जा रहा है. तो घोड़ा जब चलता रहता है, घोड़ा जब कुछ देर गया, यहाँ पे एक घर है या फिर कह सकते हैं यहाँ पे एक राज्य है जहाँ पे जाके वो रुक जाता है. जहां पे जाके वो रुक गया वो कहा जाता है कि जहां जहां वो राज्य राज्य में जाके रुकता है वो वहां का जो राजा है वो पावरफुल कहलाया जाता है. उसके बाद अगर वो आगे चले गया, दूसरे घर में रुक गया, तो ऐसे अगर जहां पे वो रुकता है उसके उसके राजा को वो क्या करते हैं, पावरफुल समझते हैं कि वो उस जगह का पावरफुल राजा है जहां पे घोड़ा जाके रुक जाता है. ये एक
कह सकते हैं उन्होंने बनाई हुई रीति है। तो उस रीति को उसको क्या कहा जाता है, अश्वमेधा याजना कहा जाता है, जिससे रूलर को चुना जाता है, राजा को चुना जाता है और वो फिर उस राज्य को राज करता है। और क्वेश्चन है विच एनिमल वॉज लेट लूज इन अश्वमेधा। तो ये तो आपको पता चली गया कौन सी मैंने बात की है, कौन सा एनिमल इसमें जो है अश्वमेध याजना के तहत जो है लूज किया जाता है, मतलब छोड़ा जाता है, काउ, एलिफेंट, हॉर्स या बफेलो। तो इसका राइट आंसर होगा हॉर्स। हॉर्स को ही जो है इस जो अश्वमेध याजना है इसमें हॉर्स का ही मेन रोल होता है। नेक्स्ट है हु वॉज द सेंट्रल फिगर इन दी रिचुअल। जो ये रिचुअल्स हो रहे होते हैं, रिवाज हो रहा होता है, जितना भी यज्ञ होता है उस टाइम में जो राजा यज्ञ करवाता है, तो उस टाइम का जो मेन सेंट्रल फिगर किसे कहते हैं, जो मेन होता है, जो अधिकारी सबसे मेन होता है, जिसको सबसे मेन समझा जाता है, सेंट्रल फिगर होता है, वो कौन होता है, ब्राह्मण्स, जनाज, वुमेन्स या फिर किंग। तो इसका राइट आंसर होगा किंग, राजा। राजा ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, किसी भी रिवाज जो रीति रिवाज हो रहे होते हैं उनका यज्ञ होता है, राजा सबसे महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है दे अलाउ टू पास हॉर्स, व्हाट इट मीन। जब वो हॉर्स को अलाउ कर देते हैं उसका मतलब क्या है। द एक्सेप्टेड द राजा वॉज स्ट्रॉन्गर, दे एक्सेप्टेड द राजा वॉज वीकर, या फिर ए और बी बोथ, या फिर नन ऑफ दी। सो इसका आंसर क्या होगा, दे एक्सेप्टेड द राजा वॉज स्ट्रॉन्गर। जब वो अलाउ कर देते हैं घोड़े को जाने के लिए, इसका मतलब जहाँ पे वो रुका है, जिस राज्य में वो जाके रुका है, वो वहां का जो राजा है वो एक्सेप्ट कर दिया जाता है कि वो स्ट्रॉन्गर है। तो ये अराउंड जब ये चीजें चल रही हैं, ये बहुत टाइम पहले की ही है जब राजा को चुना जाता था। तो ये ऐसे धीरे धीरे करके जो है हमारे जो ये रिचुअल हटता गया, ऐसे अब नहीं चुना जाता है, बहुत तरीके बदले गए, लड़ाई होती थी, सेक्रीफाइसेस भी दिए जाते थे, तो बहुत सारे तरीके से धीरे धीरे बदलाव आया था। तो सबसे पहला जो तरीका है वो था जो ये जो हॉर्स वाला है, सबसे पुराना तरीका है जो पहले किया जाता था। नेक्स्ट है हु ब्रॉट गिफ्ट्स फ्रॉम रूलर फॉर रूलर्स। जो रूलर्स हैं उसके लिए गिफ्ट कौन लाता था, जो रूल करता था राजा उसके लिए गिफ्ट लाए जाते थे, जो राजा बनता था उसके लिए गिफ्ट कौन लाता था, वैश्याज, शूद्रास, ब्राह्मण्स या ऑल ऑफ दीस। सबके सब लाते थे या फिर कौन लाता था। तो इसका राइट आंसर है वैश्याज। जो वैश्याज होते थे ना, ये अटेंड तो कर देते थे गिफ्ट्स के लिए, वो मतलब राजा को गिफ्ट्स लाएंगे, है ना। और शूद्रास को तो बिल्कुल ही मना था कि वो बहुत नीची जाति के समझे जाते थे, तो शूद्रास तो ये नहीं करते थे। वैश्यास क्या करते थे, गिफ्ट्स लाया करते थे, ठीक है। तो रूलर के लिए गिफ्ट्स कौन लाता था, वैश्यास। नेक्स्ट है हु वाज पुअर, गरीब किसको समझा जाता था उस टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम की बात है, जो पुअर होता था वो कौन होता था, ट्रेडर्स, फार्मर्स, ब्राह्मण्स या फिर ऑल ऑफ दीस। तो देखो यहाँ पे ब्राह्मण्स तो होगा नहीं, ब्राह्मण्स तो सबसे ऊपर समझा जाता है, तो ब्राह्मण्स तो पुअर में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें बताना है आपको ट्रेड करने वाले, व्यापार करने वाले या फिर फार्मर्स। तो इसमें क्या है, फार्मर्स। तो फार्मर्स को सबसे पुअर समझा जाता था, और कहीं ना कहीं फार्मर्स को काफी नीचा काम समझा जाता था, बहुत छोटा काम है फार्मर्स का, ये ऐसा समझा जाता था। तो फार्मर्स को पुअर बताया जाता है। नेक्स्ट है हु वाज कंसीडर एज अनटचेबल इन वर्ना सिस्टम। तो इसमें से आपको बताना है कि अनटचेबल किसको समझा गया, कि हाँ छुआ छूत किसको बनाया गया, वर्ना, शूद्रास, वुमेन, फार्मर्स। तो इसका राइट आंसर होगा शूद्रास। जैसे कि अभी पीछे बताया था शूद्रास को तो नहीं किया जाता था, बिल्कुल अलग रखा जाता था, शूद्रास को तो छुआछूत माना जाता था, ठीक है। तो शूद्रास जो जाति थी उनको अनटचेबल बोला जाता था। नेक्स्ट है हु वर द पीपल हु सेक्रीफाइस एंड रिसीव गिफ्ट्स। कौन होते थे वो लोग जो सेक्रीफाइस करते थे, यज्ञ करते थे, जो भी उनका जो भी दान है वो करना और गिफ्ट्स को लेना, वो किसका काम होता था, ब्राह्मण्स, किंग्स, जनाज या मर्चेंट्स। तो इसमें से आएगा ब्राह्मण्स, जो गिफ्ट्स को लेते थे और सेक्रीफाइसेस करना, यज्ञ करना और जो भी पूजा पाठ का काम है, दान करना, वो सब ब्राह्मण्स का होता था। ब्राह्मण्स को ये ओहदा दिया गया था, सबसे ऊपर राजा से भी ऊपर ब्राह्मण्स को रखा गया था, ठीक है। मतलब कि राजा भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं कहलाया जाएगा जितना ब्राह्मण्स कहलाए जाएंगे, ठीक है। तो ब्राह्मण्स को जो है
जो है गिफ्ट्स मिलते थे, और कौन देता था, वैश्यास जो होते थे वो क्या करते थे, वो गिफ्ट्स देते थे ब्राह्मिन्स को और रूलर्स को जो भी रूल करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मिन्स, ब्राह्मिन्स रिसीव करते थे गिफ्ट्स। नेक्स्ट है, विच सेंटेंस इज नॉट ट्रू इन एस्पेक्ट ऑफ फोर्ट, जो फोर्ट्स होते हैं, किला होता है, उसके अकॉर्डिंग इसमें से सही कौन सा नहीं है। देखो, जो किला बंदी होती है, फोर्टिफिकेशन होती है, सबसे पहले वो समझते हैं। फोर्टिफिकेशन होती है किला बंदी करना, ठीक है, इसको हम कहते हैं फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन होती है जैसे कि एक बहुत बड़ी बड़ी दीवार से एक जगह को पूरा ढक देना, ठीक है, पूरी ऐसी दीवार है उसको ऐसे पूरा बंद कर देना, चारों तरफ से ऐसे दीवारें लगा देना, कोई आ ना सके, कोई देख ना सके उस जगह को, इस तरीके से ये पूरा ऐसे बंद कर देते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो, ऐसे हमें एक ड्राइंग सी बना के हम दिखाती हूँ, जैसे कि ये इस तरीके से हमने क्या कर दिया, दीवार से पूरी एक जगह को ढक दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। तो इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो फोर्ट जो होते हैं, किला होता है वो बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक फ्रॉम अदर किंग, वो इसीलिए किला बंदी करते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें लगाते हैं, किले बनाते हैं, ताकि वो उन्हें डर होता है कि कोई किंग हमारे महल में हमला ना कर दे। पीपल वर आल्सो कंट्रोल इजली बाय किंग बाय फोर्टिफिकेशन, किला बंदी करके राजा जो है आराम से कंट्रोल कर सकता है पीपल को, राज्य को, अपने राज्य को। सम किंग आल्सो वांट टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज। अब वो ये सोचते हैं कि हमने इतने बड़े बड़े किले बनाए हैं, उसके पीछे वो अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं वो कितने पावरफुल है, साथ ही साथ वो कितने पैसे वाले हैं, और वो इतना बड़ा बना के उसको इम्प्रेसिव दिखाना चाहते हैं कि सिटी का सबसे इम्प्रेसिव हमारा किला हो। तो इसमें से बताना है कौन सा ट्रू नहीं है। तो देखो, ऑल आर ट्रू, जितने भी इसमें आपको ऑप्शन दिखे हैं पूरे ट्रू है, कोई गलत नहीं है। एक्सपेक्टेड ऑफ फोर्ट्स, ठीक है, फोर्ट्स बनाया ही इसलिए जाता है, किस किस वजह से बनाया जाता है वो आपको पता चल गया। एक और बार इसको अच्छे से पॉइंट्स को पढ़ना कि ये क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, वेयर इज हस्तिनापुर लोकेटेड। अभी हमने सबसे पहले मैप ही देखा है, तो आपको फटाफट पता चलना चाहिए हस्तिनापुर कहाँ पे है। तो हस्तिनापुर नियर मेरठ में पड़ता है, ठीक है, मेरठ के पास जो है हस्तिनापुर है। अबाउट 25,000 ईयर एगो वट टर्न इन टू महाजनपद, महाजनपद अराउंड 25,000 ईयर एगो क्या, वट टर्न इन टू महाजनपद, ऑल जनपदास, जो ऑल जनपदास थे वो महाजनपद में कन्वर्ट हुए थे, ऑर्डिनरी महाजनपद में कन्वर्ट हुए थे, ऑर्डिनरी जो जनपद थे या फिर इम्पोर्टेंट जनपद थे, बताओ। तो सबसे पहले हमने ये बात की थी, जो महाजनपद जो है ना वो जनपदों में से ही निकले हुए हैं, जो जनपद बहुत पावरफुल हो जाते हैं उन्हें महाजनपद कहा जाता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट जनपदास होते थे उनको जो औहदा मिलता था वो महाजनपदास का मिलता था। नेक्स्ट है, इन व्हाट मोड वर द पेमेंट्स मेड, उस टाइम पे पेमेंट्स किस तरीके से दी जाती या ली जाती थी, पंच मार्क कॉइन, पेपर नोट्स, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन। तो ये अबाउट 2500 ईयर अगो की बात है, जब ये महाजनपद जनपद होते थे, लेटर वैदिक के बाद की बात है। तो इस टाइम पे क्या आ चुके थे, पंच मार्क कॉइन आ चुके थे, पंच करा हुआ कॉइन था जो जिसमें पंचिंग स्टैंप लग जाता है वो उसकी निशानी होती थी, ठीक है, इससे पेमेंट किया जाता था पंच मार्क कॉइन से। हाउ डिड हेडर्स पे टैक्सेस, अब टैक्स जो है हमने इस चैप्टर में, आप अगर आपने इस चैप्टर पढ़ा होगा उसमें टैक्स की बात भी करी गई है, कैसे जो राज्य है वो टैक्स लेकर, लोगों से टैक्स लेकर, राजा जो है टैक्स लेकर पैसे कमाता था, रूल करता था, हर एक चीज में छोटे छोटे लोगों से टैक्स लेते थे, ठीक है। तो हेडर्स क्या करते थे, जो चारा जो एनिमल्स को चराते हैं उनसे टैक्स लेकर, तो हेडर्स कैसे पे करते थे अपना टैक्स, तो ये बताना है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट से, एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट से, बाय लेबरिंग से, या फिर ऑल ऑफ दीज से। तो हेडर्स काम ही चराना होता है, जानवरों को चराना, तो जो भी जानवरों को चरा के उनको पैसा मिलता था, और या फिर जो भी प्रोडक्ट आता था
तो वो पैसा तो नहीं मिलता था उन्हें, अगर हम कहें तो वो टैक्स किसके लिए, जैसे आज का हम टैक्स देते हैं, आजकल टैक्स देते हैं पैसा पे करते हैं, बैंक को टैक्स देते हैं पैसा पे करते हैं, उस टाइम पे तो पैसा नहीं था उनके पास, तो वो क्या करते थे, राजा को ना एनिमल भेंट कर देते थे टैक्स के बदले। एनिमल ने जो प्रोडक्ट दिया होता था, मिल्क है ना, मिल्क मिल्क जो चीज हो, मिल्क मिल्क से बनी हुई चीजें, एग जो देते थे, तो वो चीजें राजा को भेंट करते थे, ठीक है। पैसे नहीं होते थे उस समय, तो वो क्या करते थे, हेडर्स एनिमल और एनिमल की चीजों को टैक्स के अकॉर्डिंग देते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, हु कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द असेंबलीज, इसमें से कौन सा, कौन ऐसा था जो असेंबलीज में पार्टिसिपेट नहीं करता था। असेंबलीज होती हैं जो इंपॉर्टेंट असेंबली, राजा के दरबार में असेंबलीज होती हैं, उसको बोलते हैं। तो वुमेन, दास, या फिर कर्माकर्स, या फिर ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज इसमें से आएंगे, क्योंकि देखो वुमेन भी, दास भी, और जो कर्माकर्स होते थे ना, कर्माकर्स क्या होते हैं, जो जैसे जो नीची जात के होते हैं, जो व्यापार करते हैं, उन्हें ही कहा जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंटेंस इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर वैदिक बुक्स, जो लेटर वैदिक बुक्स थी, जो वैदिक वैदिक पुराण के बाद जो लिखी गई थी, जैसे कि ऋग्वेदा, सामवेदा, जो हमने नेक्स्ट पीछे चैप्टर में पढ़ा है, उससे जो उसके बाद जो ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, ये सब के बाद जो लेटर वैदिक में जो बुक्स लिखी गई हैं, उसके एस्पेक्ट में कौन सी ट्रू नहीं है। तो वो पढ़ते हैं, इन नॉर्थ इंडिया मेनी बुक्स कंपोज इन द इरा ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड यमुना। ये कह रहा है कि जो नॉर्थ इंडिया के साइड वाला जो एरिया है, जहां पे गंगा जमुना बहती है ना, उस साइड पे ये बुक को लिखा गया है, ठीक है। तो यस, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो लेटर वैदिक के टाइम पे बुक्स लिखी गई थी, वो गंगा यमुना के पास बैठकर लिखी गई थी, उनकी उनको वही दर्शाया गया कि उन्हीं के पास बैठ के ये बुकें जो हैं लिखी गई हैं, कंपोज की गई हैं। उसके बाद ये, दीज वर कंपोज बिफोर द ऋग्वेदा, या फिर दीज बुक्स डिस्क्राइब्ड हाउ रिचुअल्स वर टू बी परफॉर्म एंड रूल्स अबाउट सोसाइटी, और बोला गया दीज बुक्स वर कंपोज बाय प्रिस्ट। तो इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो हमें पढ़ के पता चल रहा है कि ये ट्रू नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया लेटर वेदिक, जो वेदिक के बाद लिखी गई है, तो ये बोल रहा है कि देवर कंपोज बिफोर ऋग्वेदा, नो, बिफोर ऋग्वेदा नहीं आया है, ये ऋग्वेदा, सामवेदा, जो ये चार वेदाज हैं, उसके बाद ही ये लेटर वेदिक में ये बुक को लिखा गया है, और पृष्ठ के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही है, ये राजा के द्वारा, जो पृष्ठ मतलब क्या क्या कहते हैं उन्हें, पुजारी, सॉरी, ठीक है, राजा नहीं, पुजारी, जो पंडित के पुजारी होते हैं, उनके उनसे लिखा गया है। दिस बुक डिस्क्राइब रिचुअल्स, हमें रीति रिवाज दर्शाते हैं इस बुक में, रूल्स रूल्स अबाउट दी सोसाइटी, ये सब के बारे में उसमें बताया गया है, बुक्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द गौतम बुद्धा बॉर्न, तो यहाँ पे आप देखो कौन सा आ रहा है, गौतम बुद्धा, जैनिज्म के बारे में हम कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो गौतम बुद्धा, जिसने बुद्धिज्म को अपनाया, जो बुद्धिज्म के बारे में जिन्होंने नॉलेज दी है, उनको बुद्धा बोला जाता है, गौतम बुद्धा बोला जाता है ना। तो वो बॉर्न कब हुए थे, तो अबाउट 2500 ईयर अगो की ये बात है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द अर्ली नेम ऑफ गौतम बुद्धा, तो गौतम बुद्धा को उनका जो जन्म वाला, जो हम कह सकते हैं उनका जो रियल नेम है, वो क्या था, तो वो था सिद्धार्थ था, ठीक है, उनका नाम था सिद्धार्थ था, और गौतम बुद्धा लोगों ने उनका नाम रखा है, ठीक है। और बुद्धा का मतलब क्या होता है, बुद्धा का मतलब आपको पता होना चाहिए, इनलाइटेड वन, बुद्धा का मीनिंग होता है इनलाइटेड वन, जिनको इनलाइटमेंट मिल जाती है, ठीक है, जिनको हम कह सकते हैं परम सत्य का ज्ञान हो जाता है, उनको बोलते हैं, ठीक है। तो उनका पहले पहले जन्म से नाम क्या था, सिद्धार्थ था, उसके बाद उनको गौतम बुद्धा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वेयर डिड बुद्धा गो टू टीच फर्स्ट टाइम, बुद्धा ने अपनी नॉलेज तो गेन करी थी, उसके बाद जब वो दूसरों को नॉलेज देने गए थे फर्स्ट टाइम, वो कौन सी जगह थी, तो देखो
काफी कंफ्यूजिंग होता है ये कि कहाँ पे उनका जन्म हुआ, कहाँ पे उन्होंने फर्स्ट नॉलेज ली, कहाँ पे उनकी मृत्यु हुई, और कहते हैं कहाँ पे उन्होंने अपनी नॉलेज गेन की। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल आराम से इसको समझना है कि सबसे पहली फर्स्ट टीचिंग जो उन्होंने दी थी वो कहाँ पे दी थी। तो वो थी सरनाथ। सरनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ पे उन्होंने अपनी टीचिंग को, अपनी नॉलेज को फैलाया था लोगों तक। ठीक है, तो सरनाथ आपको याद रखना है, सरनाथ ऐसी जगह है जहां पे उन्होंने अपनी टीचिंग को फर्स्ट टाइम लोगों के द्वारा, लोगों को दिया था, अपनी नॉलेज दी थी, तो वो थी सरनाथ। ठीक है, अब आते हैं, देखो ये सबसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है सरनाथ की जगह जहाँ पे उनके स्तूपा मिलते हैं। ठीक है, सरनाथ में अगर आप जाओगे, सरनाथ से जगह से आपको याद रखना है कि जहाँ पे उन्होंने अपनी नॉलेज को दिया था, और जहाँ पे नॉलेज को दिया था वहाँ पे उनके काफी स्तूप बने हुए हैं, और स्तूपा जो बने हुए हैं उनके, वो किसने बनाए हैं आपको याद रखना है, अशोका ने बनाए हैं। ठीक है, बहुत सारे स्तूपा अशोका ने बनाए हैं, और जो सरनाथ में अशोका ने बनाया है वो बुद्धिज्म को जो है, उनकी नॉलेज को, जो जहाँ पे उन्होंने नॉलेज दी थी वहां पे उनका स्तूप है सरनाथ में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिलीफ ऑफ बुद्धिज्म, इसमें से कौन सा बुद्धिज्म का बिलीफ है, जो बुद्धिज्म के द्वारा टीचिंग्स दी गई हैं उनमें से वो कौन सी है। तो यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहला है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, द वर्ल्ड वर्ल्ड जो पूरा वर्ल्ड है इज फुल ऑफ सोरो, दुख से भरा हुआ है। पीपल सफर ऑन अकॉर्डिंग अकाउंट ऑफ डिजायर्स, इट डिजायर्स इफ डिजायर आर कंक्योर्ड निर्वाणा विल बी अटेंड। उसके बाद है द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल मस्ट बी रिकॉग्नाइज। अब ये चार ऑप्शंस हैं, ठीक है, इसमें से आपको बताना है कौन सा इसमें से राइट है, ए बी सी डी, या फिर ए बी एंड, या फिर ए बी सी, या फिर बी सी डी। तो आपको ये देखना है, तो इसका राइट आंसर है ए बी एंड सी, बिकॉज देखो इसने नॉलेज दी गई है, बुद्धिज्म में नॉलेज दी गई है कि जो वर्ल्ड है पूरा फुल ऑफ सोरो है, दुख से भरा हुआ है, सबके पास दुख है। पीपल सफर ऑन अकाउंट ऑफ डिजायर्स, डिजायर्स उनकी अंदर की जो डिजायर्स हैं वो उनको, पीपल जो है उनसे सफर कर रहे हैं, ठीक है, उनसे वो दुखी हैं, अपनी डिजायर से ही दुखी हैं। और उसके बाद अगर वो डिजायर पे कंकर्ड जीत पाले, अगर वो अपने डिजायर्स में अगर वो जीत ले, कंकर्ड कर ले, तो उन्हें निर्वाणा मिल जाएगा। निर्वाणा मतलब कि वो शांति से जी पाएंगे, उन्हें जो है शांति की प्राप्ति होगी। तो ये तीन चीज है, और ये फोर्थ चीज नहीं है, कुछ नहीं है ये, ठीक है। फोर्थ ये जो गॉड सोल ये सब उन्होंने कुछ नहीं बताया है, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन्स वॉज, जो पहले तीर्थंकर थे जिन्होंने जैनिज्म की स्थापना की थी वो कौन थे, महावीरा, बुद्धा, ऋषभ, गौतम। किसने जैनिज्म को जो है फैलाया है, फर्स्ट शुरुआत की है, वो है ऋषभ, ठीक है, उनको ऋषभ के नाम से जाना जाता है। द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रिच्ड, प्रिच्ड मतलब होता है किसी को नॉलेज देना, अपनी जो नॉलेज है वो किसी के साथ बांटना, ठीक है। तो पहली कौन सी लैंग्वेज से बुद्धा ने जो है अपनी नॉलेज प्रिच जो है की थी, संस्कृत, पाली, हिंदी, या फिर उर्दू। तो पाली इज लैंग्वेज जिससे जो है बुद्धिज्म के टाइम और जैनिज्म के टाइम जो है पाली जो है काफी पॉपुलर थी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो संस्कृत है वो पाली से भी पहले आ चुकी है, ठीक है। वैदिक संस्कृत हमने पढ़ा है ना, वैदिक पहले की जो संस्कृत है वो संस्कृत पहले आ चुकी है पाली से पहले। नेक्स्ट है द बुद्धा अटेंड निर्वाणा एट, अब देखो ये कौन सी जगह है जहां पे बुद्धा ने अपना निर्वाणा ले लिया था, उनको मतलब वो अपने कह सकते हैं एक अंतिम पड़ाव पर थे, कहाँ पे उनको अंतिम पड़ाव हुआ, कहाँ पे उनकी कह सकते हैं मृत्यु हुई, निर्वाणा हुआ, ठीक है। बोध गया, सरनाथ, सांची, खुशीनगर। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, खुशी नगर। खुशी नगर में बुद्धा जो है निर्वाणा हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट है ही गॉट द ट्रू नॉलेज अंडर पीपल ट्री, अब देखो हमने काफी चीज बार पढ़ा है कि पीपल ट्री
के नीचे ही उनको परम सत्य का ज्ञान हुआ था, उन्होंने नॉलेज गेन की थी पीपल ट्री के नीचे। तो वो कौन सा पीपल ट्री है, कहाँ पे है, जो जहाँ पे उन्हें नॉलेज की ज्ञान हुआ था, तो वो कहाँ पे है? सरनाथ, खुशीनगर, अलीगढ़, बोधगया। तो अब देखो, अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो देखो, सरनाथ में उन्होंने सबसे पहले अपनी टीचिंग दी थी, उन्होंने अपनी नॉलेज नहीं ली थी। तो यहाँ पे ट्रू नॉलेज, जहाँ पे उनको अपनी ट्रू नॉलेज का ज्ञान हुआ था, तो वो है बोधगया। ठीक है, बोधगया, खुशीनगर, खुशीनगर में उनको निर्वाण हुआ था, सरनाथ में उन्होंने टीचिंग ली थी, और बोधगया में उनको जो है खुद पीपल के ट्री के नीचे नॉलेज मिली थी। आउटसाइड इंडिया बुद्धिज्म वॉज फर्स्ट एक्सेप्टेड बाय इन, अगर हम इंडिया के बाहर जाएं, इंडिया के बाहर कौन सी सबसे पहले कंट्री है जिसने एक्सेप्ट किया था बुद्धिज्म को? चाइना, तिब्बत, जापान, श्रीलंका। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका जो है इंडिया के बाद श्रीलंका ने बुद्धिज्म को अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्धिज्म मेड एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट बाय अलाउइंग टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन टू इट्स फोल्ड। देवर, देखो ये अपने लाइन सबसे पहले शुरू होगी कि बुद्धिज्म जब आया था तो बहुत सारी चेंजेस आई थी। जब बुद्धा ने बुद्धिज्म के बारे में हमें जो बुद्धा ने बताया था, अपनी नॉलेज बताई थी, तो काफी चेंजेस आए थे लोगों के ऊपर। तो वो लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा हाई इम्पैक्ट किसमें पड़ा था, कौन से टू सेक्शंस थे जिसमें काफी सुधार देखने को मिलता है? तो मर्चेंट्स, प्रिस्ट, मनी लेंडर्स, स्लेव्स, वॉरियर्स, या फिर ट्रेडर्स, या फिर वुमेन, या शूद्रास। तो देखो, अगर आपको देखना है कि कौन सा ट्रू है, सबसे पहले देखो कौन सा जो सेक्शन है वो ज्यादा सफर कर रहा था। तो सबसे ज्यादा सफर कर रही थी वुमेन्स एंड शूद्रास। तो इसका राइट आंसर होगा वुमेन एंड शूद्रास, क्योंकि वुमेन और शूद्रास को अनटचेबल कह सकते हैं। शूद्रास को अनटचेबल और वुमेन को किसी लायक नहीं समझने जाने वाला, या फिर कह सकते हैं अनटचेबल ही कहा जाता था। तो इन दो सेक्शन में बहुत बड़ा बदलाव आया था। तो वुमेन्स और शूद्रास को काफी इम्पोर्टेंस भी बुद्धिज्म के द्वारा ही मिलनी शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म। अब देखो, एट फोल्ड पाथ बुद्धिज्म के द्वारा दिए गए हैं कि कौन से एट फोल्ड पाथ है, उसमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। राइट स्पीच, राइट एफर्ट्स, राइट कंडक्ट, या राइट डिजायर। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से नहीं है, एट फोल्ड पाथ में से कौन सा इसमें से बुद्धिज्म के द्वारा नहीं बोला गया है। तो राइट स्पीच, राइट एफर्ट्स एंड राइट कंडक्ट, ये तीनों के तीनों राइट हैं, बट राइट डिजायर इसमें नहीं आता। ठीक है, उन्होंने डिजायर के बारे में कुछ नहीं बोला, राइट डिजायर, रॉन्ग डिजायर, ऐसा कुछ नहीं बोला है। उन्होंने ये बोला है कि डिजायर इंसान को सबसे ज्यादा सफर जो है इंसान डिजायर से ही होता है, दुखी सबसे ज्यादा डिजायर से होता है। बट इसमें इन्होंने बताया नहीं है कि राइट डिजायर क्या है, रॉन्ग डिजायर क्या है। डिजायर डिजायर होता है, ठीक है, तो इसमें राइट डिजायर नहीं आता। और एट फोल्ड पाथ कौन से हैं वो देखो, आपको इसमें पूरे एट फोल्ड पाथ पता चल जाएंगे। राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट समाधि। ये सब चीजें जो है नॉलेज देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज आर कॉमन इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इसमें से कौन सा कॉमन हमें देखने को मिलता है बुद्धिज्म और जैनिज्म में से? नॉलेज, फेथ एंड कर्मा, नॉन वायलेंस, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बताओ कौन सा सेम है। तो जो फेथ और कर्मा के बारे में, दोनों में कॉमन है, दोनों ने ही फेद और कर्मा के बारे में ही डिस्क्राइब किया है कैसे हम फेद से और कर्मा से अपने निर्वाणा पा सकते हैं। ये सब बहुत डीप वाली भी नॉलेज होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस काफी अच्छे लगे हों। ये दोनों चैप्टर के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिससे आपको जो है काफी कुछ सीखने को मिला होगा, काफी नॉलेज मिली होगी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे लगे हों ये दोनों चैप्टर के MCQs। अगर अच्छे लगे हों, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।